चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक से लूट हो जाती है नीलोखेड़ी के पास, और उसमें एक बड़ी गाड़ी के आगे एक गाड़ी लगा ली जाती है, उसमें कुछ आरोपी होते हैं और 1,25,00,000 रुपए की लूट करके फरार हो जाते हैं। जो मामला है वो बुटाना थाने में दर्ज होता है, उसके बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करती है, और उसमें जो 19 सितंबर को नीलोखेड़ी के पास 1,25,00,000 रुपए की लूट हो जाती है। ये पैसा दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक से लूट हो जाती है नीलोखेड़ी के पास, और उसमें एक बड़ी गाड़ी के आगे एक गाड़ी लगा ली जाती है, उसमें कुछ आरोपी होते हैं और 1,25,00,000 रुपए की लूट करके फरार हो जाते हैं। जो मामला है वो बुटाना थाने में दर्ज होता है, उसके बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करती है, और उसमें जो ड्राइवर था यानी कि जो गाड़ी चला रहा था वही आरोपी निकला है। उसने फोन करके इत्तला दे दी थी अपने साथियों को, और अपने साथियों के साथ मिलकर 1,25,00,000 रुपए की जो लूट है उस वारदात को अंजाम दे देते हैं। क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या जानकारी बताना चाहेंगे सर? सर ऐसे है, हमारे को रात 19 तारीख को पवन कुमार गोयल है, जो अपने वहाँ बंसल जी हैं पंचकूला के रहने वाले हैं, तो उनकी गाड़ी में 1,25,00,000 रुपये दिल्ली से पंचकूला के लिए जा रहा था। कौन सी गाड़ी थी? इनोवा गाड़ी थी। तो जो ड्राइवर था वो मुलजमों से मिला हुआ था, उन्हें जब दिल्ली से चला, उसने जसबीर नाम का वकील है अपने मोहाली में रहता हो खरड़ में, उसको फ़ोन कर दिया भाई हम गाड़ी में 1,25,00,000 रुपये लेके हम चल पड़े हैं, तो आप अपने बंदे भेज दो मेरे अपने वहाँ नीलखड़ी के पास। उसके बाद उस जसबीर सिंह ने 3 लड़के कार में जहाँ नीलकड़ी भेज दिए। जब गाड़ी आई, गाड़ी का नंबर इनके पास नोट था, इन्होंने उस टाइम गाड़ी पीछे लगा के, और ड्राइवर साथ मिला हुआ था, ड्राइवर ने गाड़ी साइड में पेशाब करने के बहाने लगा ली, पीछे गए थे इन्होंने, गाड़ी रुक गई थी पहले ही वो। उसके बाद इन्होंने अपने उसमें गाड़ी में पैसे थे, इसे मारपीट की, मारपीट करके पैसे जो थे 1,25,00,000 रुपये लगे। कितने पैसे अब फिलहाल बरामद हो गए हैं? 83,90,000 और 83,90,000 बरामद हो चुके हैं नवीन से, और कार जो कार इस्तेमाल करी थी वही बरामद कर ली हमने। कितने आरोपी अभी रहते हैं? अभी 3 आरोपी और हमारे पास। हाँ जी भाई नेमा जो 3 आरोपी और हमारे पास जो तो इनका खासा हुआ जिनका। आज कोर्ट में पेश किया क्या कुछ? कोर्ट में पेश किया, इनका रिमांड लिया रिकवरी के लिए, और रिकवरी करनी है अभी। कितने दिन का रिमांड है? 2 दिन का रिमांड लिया अभी, 28 तक का। तो बाकी जो पैसे हैं उनकी भी रिकवरी करनी है, और वो आरोपी भी पकड़ने, बकाया आरोपी हैं उनसे बरामद करनी है, 39,40,00,000 रुपए उनके पास भी है, उनसे भी हमने बरामद करनी है। ड्राइवर का क्या नाम है? ड्राइवर का नाम से जो ड्राइवर है, ड्राइवर नवीन कुमार है, जो इनोवा का ड्राइवर है, माल का ड्राइवर है, वो है सुनील कुमार। हाँ जी जो हमने अरेस्ट कर लिया उसको। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 आरोपी हैं जिन्हें अरेस्ट किया है, 83,90,000 रुपए बरामद कर लिए, और बाकी के जो रकम है वो अभी बरामद करनी बाकी है। साथ ही साथ 3 आरोपी अभी भी जो है वो फरार हैं, उनके ठिकानों पर जो है पुलिस जाकर रेड करेगी, और इन दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस रिमांड लिया गया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये 2 आरोपी हैं जिन्होंने 1,25,00,000 रुपये की लूट को अंजाम दिया था। पूरा मामला क्या था वो हम आपको एक बार बता देते हैं। 19 सितंबर को दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए जो पैसे लेकर जा रहे थे, और रास्ते में जो गाड़ी का ड्राइवर था, इनोवा गाड़ी का जो ड्राइवर था, वो दिल्ली से जब चल रहा था उसने फ़ोन कर दिया था अपने एक साथी को कि हम दिल्ली से चल रहे हैं और आप हमें रास्ते में लूट लीजिएगा, और उसी दौरान नीलोखेड़ी के अंदर जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। एक इनोवा गाड़ी जिसके आगे एक दूसरी गाड़ी लगाई जाती है, और जो आरोपी हैं वो पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। उसके बाद बुटाना थाने में ये पूरा मामला दर्ज होता है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस तफ्तीश करती है, और सामने निकल कर आता है कि जो ड्राइवर दिल्ली से पैसे लेकर चला था इनोवा गाड़ी के अंदर, वही इस लूट में शामिल है, वही आरोपी इस लूट में शामिल है। फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, और तकरीबन जो
41 लाख रुपए हैं वो अभी और बरामद करने हैं। साथ ही साथ बात की जाए कोर्ट की, तो आज कोर्ट में पेश किया गया दोनों आरोपियों को, वहां से 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस उन जगहों पर रेड करेगी जहां से बाकी आरोपियों का कोई भी एक सुराग मिल सकता है और बाकी जो पैसे हैं उनकी बरामदगी हो सकती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। कार के साइड में थोड़ा सा जो थोड़ा कार भी आ जाए ना, मतलब थोड़ा कार का नंबर आ जाएगा बीच में, इसको बीच में खड़ा कर दो। कार के साइड में थोड़ा सा जो थोड़ा कार भी आ जाए ना, मतलब थोड़ा कार का नंबर आ जाएगा बीच में, इसको बीच में खड़ा कर दो। लोग अरेस्ट है अभी रिसेंटली बुटाना थाने के एक जुरिस्डिक्शन में, लगभग 1.25 करोड़ की एक लूट की घटना सामने आई थी, तो उस पे हमने FIR नंबर 280 दर्ज करके अंडर सेक्शन 392 एंड रेलिवेंट सेक्शंस में हमने इन्वेस्टिगेशन टेकअप की थी उसकी। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने जो 2 बंदे हैं सुनील एंड नवीन, उनको अरेस्ट किया है इन दिस रेफरेंस, और उनके पोजीशन से 83,90,000 लगभग 84 लाख के करीब की रिकवरी है। इनमें से एक को चंडीगढ़ से और एक अम्बाला से अरेस्ट किया है, बाकी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी धरपकड़ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। प्लस इन दोनों को आज कोर्ट में माननीय न्यायालय में पेश करके रिमांड लिया जाएगा, बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो टेकअप की जाएगी। प्लस जो इनके आरोपी साथी हैं उनको उनके ठिकानों पर रेड की जाएगी इनकी मदद से, और जो बकाया अमाउंट है उसको भी रिकवर किया जाएगा। सर, ये आरोपी है कौन, मेन अक्यूज्ड कौन है इसमें? इसमें जो इन्होंने साजिश रची, दिल्ली से चंडीगढ़ कोई अमाउंट ट्रांसफर होना था, किसी जो कंप्लेंट है कंप्लेंट की अमाउंट थी लगभग 1.25 करोड़ के, 1.25 करोड़ जो रिपोर्टेड है हमारे पास, तो उसको वो जैसे इन ट्रांजिट थे तो इन्हीं के एक ड्राइवर ने ये सारा प्लान रचा, उसके कुछ साथी थे उनके साथ मिलके इन्होंने प्लान किया। जब वहां से मूवमेंट हुई तो इसने आगे इन्फॉर्म कर दिया, उस इन्फॉर्मेशन पे 3 लोगों ने आके एक पोलो गाड़ी में जो फेक नंबर था तो उस पे इनको डिटेन किया वहां पे, और इनके साथ मारपीट करी और जो कैश थे वो लूट के ले गए। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए गहनता से पूछताछ करके अब जो प्रोग्रेस है वो मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी लोग जो हैं उनको भी जल्दी। कहाँ से रिकवर किए गए पैसे सर? इनका चंडीगढ़ से इन जो मेन जिसकी कार थी, कार का ओनर जो है उसी गाड़ी से रिकवर करे हैं, और चंडीगढ़ से रिकवर करे हैं, वहीं से गाड़ी भी बरामद है, गाड़ी के साथ इतनी अमाउंट बरामद है, बाकी जो पेंडिंग अमाउंट है बकाया आरोपी जो रहते हैं उनके पोजीशन से रिकवर की। सर, इसमें जो वकील है वो साजिश करता ज्यादा बताया जा रहा है, उन्हीं का वकील है पवन बंसल का ही, जो अपना किसका वकील है इस पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट जो इसमें ड्राइवर था उसकी इन्वॉल्वमेंट किसी वकील के साथ कनेक्शन है, उसी के क्लाइंट इन्होंने फिर 3-4-5 लोगों ने एक गैंग बना के और इस घटना को अंजाम दिया है, और बाकी जो भी इसमें एविडेंसेस हैं उस बेसिस पे ये क्लियरली प्रूव हो रहा है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है। प्लस केस हमने अपना ट्रेस कर लिया है, बाकी लोगों को गिरफ्तार करके हम कहा मामला दर्ज है। ये चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था लेकिन अचानक से लूट हो जाती है नीलोखेड़ी के पास, और उसमें एक बड़ी गाड़ी के आगे एक गाड़ी लगा ली जाती है, उसमें कुछ आरोपी होते हैं और 1.25 करोड़ रुपए की लूट करके फरार हो जाते हैं। जो मामला है वो बुटाना थाने में दर्ज होता है, उसके बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करती है, और उसमें जो 19 सितंबर को नीलोखेड़ी के पास 1.25 करोड़ रुपए की लूट हो जाती है, ये पैसा दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था लेकिन अचानक से लूट हो जाती है नीलोखेड़ी के पास, और उसमें एक बड़ी गाड़ी के आगे एक गाड़ी लगा ली जाती है, उसमें कुछ आरोपी होते हैं और 1.25 करोड़ रुपए की लूट करके फरार हो जाते हैं। जो मामला है वो बुटाना थाने में दर्ज होता है, उसके बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करती है
है और उसमें जो ड्राइवर था यानी कि जो गाड़ी चला रहा था वही आरोपी निकला है। उसने फोन करके इत्तला दे दी थी अपने साथियों को और अपने साथियों के साथ मिलकर 25 लाख रुपए की जो लूट है उस वारदात को अंजाम दे देते हैं। क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या जानकारी बताना चाहेंगे सर? सर ऐसे है, हमारे को रात 19 तारीख को पवन कुमार गोयल है जो अपने वहाँ बंसल जी हैं पंचकूला के रहने वाले हैं, तो उनकी गाड़ी में 1,25,00,000 रुपये दिल्ली से पंचकूला के लिए जा रहा था। कौन सी गाड़ी थी? इनोवा गाड़ी थी। तो जो ड्राइवर था वो मुलजमों से मिला हुआ था। उन्हें जब दिल्ली से चला, उसने जसबीर नाम का वकील है अपने मोहाली में रहता हो खरड़ में, उसको फ़ोन कर दिया भाई हम गाड़ी में 1,25,00,000 रुपये लेके हम चल पड़े हैं, तो आपने बंदे भेज दो मेरे अपने महा नीलखड़ी के पास। उसके बाद उस जसबीर सिंह ने 3 लड़के कार में जहाँ नीलखड़ी भेज दिए। जब गाड़ी आई, गाड़ी का नंबर इनके पास नोट था, इन्होंने उस टाइम गाड़ी पीछे लगा के और ड्राइवर साथ मिला हुआ था, ड्राइवर ने गाड़ी साइड में पेशाब करने के बहाने लगा ली, पीछे गए थे इन्होंने गाड़ी अपनी गाड़ी रुक गई थी पहले ही वो। उसके बाद इन्होंने अपने उसमें गाड़ी में पैसे थे, इससे मारपीट की, मारपीट करके पैसे जो थे 1,25,00,000 रुपये लगे। कितने पैसे अब फिलहाल बरामद हो गए हैं? 83,90,000 और 83,90,000 बरामद हो चुके हैं नवीन से, और कार जो कार इस्तेमाल करी थी वही बरामद कर ली हमने। कितने आरोपी अभी रहते हैं? अभी 3 आरोपी और हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, भाई नेमा जो 3 आरोपी और हमारे पास जो तो इनका खासा हुआ जिनका आज कोर्ट में पेश किया। क्या कुछ कोर्ट में पेश किया? इनका रिमांड लिया रिकवरी के लिए और रिकवरी करनी है। अभी कितने दिन का रिमांड है? 2 दिन का रिमांड लिया अभी, 28 तक का। तो बाकी जो पैसे हैं उनकी भी रिकवरी करनी है और वो आरोपी भी पकड़ने, बकाया आरोपी हैं उनसे बरामद करनी है। 39,40,00,000 रुपये उनके पास भी है, उनसे भी हमने बरामद करनी है। ड्राइवर का क्या नाम है? ड्राइवर का नाम जो ड्राइवर है, ड्राइवर नवीन कुमार है, जो इनोवा का ड्राइवर है, माल का ड्राइवर है, वो है सुनील कुमार। सुनील कुमार, हाँ जी, हाँ जी, जो हमने अरेस्ट कर लिया उसको। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 आरोपी हैं जिन्हें अरेस्ट किया है, 83,90,000 रुपए बरामद कर लिए और बाकी के जो रकम है वो अभी बरामद करनी बाकी है। साथ ही साथ 3 आरोपी अभी भी जो है वो फरार हैं, उनके ठिकानों पर जो है पुलिस जाकर रेड करेगी और इन दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस रिमांड लिया गया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये 2 आरोपी हैं जिन्होंने 1,25,00,000 रुपये की लूट को अंजाम दिया था। पूरा मामला क्या था वो हम आपको एक बार बता देते हैं। 19 सितंबर को दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए जो है जो पैसे लेकर जा रहे थे और रास्ते में जो गाड़ी का ड्राइवर था, इनोवा गाड़ी का जो ड्राइवर था, वो दिल्ली से जब चल रहा था उसने फ़ोन कर दिया था अपने एक साथी को कि हम दिल्ली से चल रहे हैं और आप हमें रास्ते में लूट लीजिएगा, और उसी दौरान नीलोखेड़ी के अंदर जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। एक इनोवा गाड़ी जिसके आगे एक दूसरी गाड़ी लगाई जाती है और जो आरोपी हैं वो पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। उसके बाद बुटाना थाने में ये पूरा मामला दर्ज होता है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस तफ्तीश करती है और सामने निकल कर आता है कि जो ड्राइवर दिल्ली से पैसे लेकर चला था इनोवा गाड़ी के अंदर, वही इस लूट में शामिल है, वही आरोपी इस लूट में शामिल है। फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, 3 आरोपी अभी भी फरार हैं और तकरीबन जो 41,00,000 रुपए हैं वो अभी और बरामद करने हैं। साथ ही साथ बात की जाए कोर्ट की, तो आज कोर्ट में पेश किया गया दोनों आरोपियों को, वहां से 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस उन जगहों पर रेड करेगी जहां से बाकी आरोपियों का कोई भी एक सुराग मिल सकता है और बाकी जो पैसे हैं उनकी बरामदगी हो सकती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। साइड में थोड़ा सा हो जाओ, थोड़ा कार भी आ जाए ना, मतलब इसको बीच में खड़ा कर दो। कार की साइड में थोड़ा सा हो जाओ, थोड़ा कार भी आ जाए ना, मतलब इसको बीच में खड़ा कर दो। लोग अरेस्ट है अभी रिसेंटली बुटाना थाने के एक जुरिस्डिक्शन में, लगभग 1,25,00,000 की एक लूट की घटना सामने आई थी, तो उस पर हमने FIR नंबर 280 दर्ज करके
अंडर सेक्शन 392 एंड रेलिवेंट सेक्शंस में हमने इन्वेस्टिगेशन टेकअप की थी उसकी, और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने जो दो बंदे हैं सुनील एंड नवीन उनको अरेस्ट किया है इन दिस रेफरेंस, और उनके पोजीशन से 83,90,000 लगभग 84 लाख के करीब की रिकवरी है। इनमें से एक को चंडीगढ़ से और एक अम्बाला से अरेस्ट किया है, बाकी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी धरपकड़ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। प्लस इन दोनों को आज कोर्ट में माननीय न्यायालय में पेश करके रिमांड लिया जाएगा, बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो टेकअप की जाएगी। प्लस जो इनके आरोपी साथी हैं उनको उनके ठिकानों पर रेड की जाएगी इनकी मदद से, और जो बकाया अमाउंट है उसको भी रिकवर किया जाएगा। सर, ये आरोपी है कौन, मेन एक्यूज्ड कौन है इसमें? इसमें जो इन्होंने साजिश रची, दिल्ली से चंडीगढ़ कोई अमाउंट ट्रांसफर होना था, किसी जो कंप्लेंट है कंप्लेंट की अमाउंट थी लगभग 1.25 करोड़ जो रिपोर्टेड है हमारे पास, तो उसको वो जैसे ही इन ट्रांजिट थे तो इन्हीं के एक ड्राइवर ने ये सारा प्लान रचा, उसके कुछ साथी थे उनके साथ मिलके इन्होंने प्लान किया, जब वहां से मूवमेंट हुई तो इसने आगे इन्फॉर्म कर दिया। उस इन्फॉर्मेशन पे तीन लोगों ने आके एक पोलो गाड़ी में जो फेक नंबर था तो उस पे इनको डिटेन किया वहां पे, और इनके साथ मारपीट करी, और जो कैश थे वो लूट के ले गए। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए गहनता से पूछताछ करके अब जो प्रोग्रेस है वो मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी लोग जो हैं उनको भी जल्दी। कहाँ से रिकवर किए गए पैसे सर? इनका चंडीगढ़ से इन जो मेन जिसकी कार थी, कार का ओनर जो है उसी गाड़ी से रिकवर करे हैं, और चंडीगढ़ से रिकवर करे हैं। वहीं गाड़ी भी बरामद किया गया, गाड़ी भी बरामद है, गाड़ी के साथ इतने अमाउंट बरामद है, बाकी जो पेंडिंग अमाउंट है बकाया आरोपी जो रहते हैं उनके पोजीशन से रिकवर की। सर, इसमें जो वकील है वो साजिश करता ज्यादा बताया जा रहा है, उन्हीं का वकील है पवन बंसल का ही? जो अपना किसका वकील है इस पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट जो इसमें ड्राइवर था उसकी इन्वॉल्वमेंट किसी वकील के साथ कनेक्शन है, उसी के क्लाइंट इन्होंने फिर 3-4-5 लोगों ने एक गैंग बना के और इस घटना को अंजाम दिया है, और बाकी जो भी इसमें एविडेंसेस हैं उस बेसिस पे ये क्लियरली प्रूव हो रहा है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है। प्लस केस हमने अपना ट्रेस कर लिया है, बाकी लोगों को गिरफ्तार करके कहां मामला दर्ज है?